में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान शहर में ना गरीबी नजर आए और ना ही गंदगी। इसको लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल के आसपास के मकानों व दीवारों पर रंग रोगन कराया है। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कोठी मीना बाजार मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है और इसको मद्देनजर प्रशासन ने मंगलवार को कोठी मीना बाजार के आसपास के अस्थायी रूप से रह रहे झोपड़ी में गरीबों को या तो हटा दिया है या फिर को टेंट से ढक दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो लगातार वायरल हो रहा है और बीजेपी पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज आगरा में एक रैली करेंगे और बीजेपी ने दावा किया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो बेहद दयनीय खबर है और पूरी तरह से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलती हुई नजर आती है। इस खबर के बारे में आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही कि बेसहारा के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झोपड़ियां दिखती हैं जिनको टेंट से ढक दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस पे ना पड़े और देश बिल्कुल विकास से भरा हुआ लगे। दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं, आपके कमेंट का हमें लगातार रहेगा इंतजार। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।